इंडिया का सबसे बड़ा नॉनवेज प्लेटर। अरे बाप रे, इतना बड़ा प्लेटर। खुल जा सिम सिम। तो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं इंडिया का सबसे बड़ा नॉनवेज प्लेटर। और भाई, ये दिखाने के लिए आज हम किधर आए सागर? आज हम आए हैं दमक्स टेस्ट ऑफ अरेबिया बाय राफेश दस्तरखान। यस, और ये किधर है? ये है नेक्स्ट टू वसुदेव प्लेनेटोरियम नियर लक्ष्मी पार्क कनकिया रोड मीरा रोड ईस्ट। ओके yes. तो भाई, हम लोग राफेश दस्तरखान का तो खाना खाए, दो तीन बार खाए yes. और वो थाली और प्लेटर और ये सब में बहुत माहिर है। और उसी के तरफ से आज है हम आए हैं दमक्स में yes. और भाई, इधर का भी जो प्लेटर है वो आपके लिए ट्रीट है। इतना बोलूंगा कि आपके लिए वो खजाना होने वाला है। खजाना मतलब वो इतना बड़ा है कि पूरे इंडिया में आपको पहली बार तो कहीं नहीं मिलेगा। और वो मिक्स ऑफ टर्किश फूड, अरेबियन फूड, सब कुछ है। सब कुछ है भाई, ऐसे ऐसे फूड आइटम्स मिलेंगे जो हमने भी कभी नहीं yes. देखे। तो भाई चलो अंदर चलते, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना तो आपको सारे डिटेल्स पता चल जाएंगे। तो चलो आओ, पहले एम्बियंस देखते फिर आपको दिखाते इंडिया का सबसे बड़ा नॉनवेज प्लेटर। आ जाओ आ जाओ। जो था वो मेन एंट्रेंस था और आपको आना पड़ेगा यहाँ फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे है हमारा मेन एंट्रेंस। तो चलो आ जाओ हमारे पीछे पीछे। बाप रे, इतना बड़ा प्लेटर। वाह कसम भाई, इतना ही है कि और है इसके साथ? और भी है इसके और साथ। भी है इसके साथ, मतलब वो भी लाओ, वो भी लाओ। तो भाई फाइनली ये थाली के जो सारे डिशेस है वो आ गए भाई yes. और इतने सारे कि मतलब शौक लग गया है कि इसको खाना कहाँ से शुरू करे। खाना कहाँ से शुरू करे ये तो क्वेश्चन मार्क है ही, लेकिन उससे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि इतने सारे जो अलग अलग डिशेज है ये है क्या, है क्या। और ये देखे पहली बार है आधे से ज्यादा डिशेज। तो आधे से ज्यादा डिशेस तो सीक्रेट भी है इधर। कौन बताएगा सागर अपने को ये details? सब बताएंगे यहाँ के हेड शेफ। ओके तो वो उनको बुलाते हैं अभी। चलो फिर सर आ जाओ। अरे 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 अरे, मेरे को एक चीज समझ नहीं रहा है। हेड शेफ तो आ गए बट वो खाली तलवार के साथ क्या कर रहे हैं? वो भी रेस्टोरेंट में तलवार। रेस्टोरेंट में तलवार, ये क्या मतलब समझ नहीं रहा सर। एक काम करो, आप पहले हमारे साथ बैठो और बताओ ये तलवार का राज क्या है। इधर आ जाओ भाई। ये तलवार से वैसे तो हमारे जो पूर्वज थे, आपके जो पूर्वज भी थे, वो जंग लड़ते थे। लेकिन ये जंग के लिए नहीं है, ये कबाब के लिए है। कबाब के लिए मतलब प्यार के लिए। कबाब किधर है इसके? बस कबाब आपके सामने अभी हाजिर होते हैं। ओके सर, मंगाओ मंगाओ। ओ हो, तो ये है जी, ये है अदाना कबाब। ये टर्किश कबाब है। टर्किश कबाब, मटन अदाना और चिकन अदाना, तलवार पे कबाब, क्या बात है। ये बता दो कि ये थाली का नाम क्या है? इसका नाम है सर दमक स्पेशल इर्तगुल थाल। इर्तगुल थाल कबीर okay. कबीर ओके okay. मतलब इंडिया में हमें कहीं भी नहीं मिलेगी। इंडिया में आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। ये जो कबीर जो नाम है okay. ये कबीर अरेबियन नाम है okay. और कबीर का मतलब होता है बड़ा। एक वर्जन है सगीर okay. सगीर मतलब छोटा okay. वसाती मतलब मीडियम मीडियम okay. okay. कबीर मतलब बिग, बड़ा, छोटा, मीडियम, बड़ा। बिल्कुल, ये तीन वर्जन। तो ये बड़ा है, ये बिल्कुल ये बड़ा है तो बेहतर है। चलो सही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट आपको ये सूप से करता हूँ। इसमें सबसे पहले ये सूप है मुर्ग ज़ाफ़रानी शोरबा, हमस आता है पिता ब्रेड के साथ। ये तीन टाइप का हमस है, बीटरूट क्लासिक और एवोकाडो। और फिर सर ये स्टार्टर स्टार्ट होते हैं। ये मटन रूश है अफगानी डिश। इसके बाद ये है चिकन दज्जाज तंदूरी। ये है सर पेशावरी। ये चिकन रूश है। ये सर नल्ली निहारी। और इधर ये कोरमा है। कोरमा दोनों खजानों में क्या है थोड़ा? ये तो सर बहुत स्पेशल है, ये है मंदी। ओ हो, वो सर वो भी सेम है, सेम है। तो ये प्लेटर बहुत बड़ा है ना, तो अभी 12 लोग जो बैठेंगे, तो 6 लोग इधर है तो वो इधर से, 6 लोग उधर है, तो क्या बात है, तो सबको मिले। हाफ में अपना मंदी है, मंदी हाफ में अपना केप्सा। केप्सा ओके,
ये सैलेड है? बिल्कुल। क्या बात है, ये फ्रूट चैंपियन है। डिजर्ट में ये भी स्पेशल है, कुनाफा। तो सर ये तो हो गए सारे डिटेल्स, अब थोड़ा बता दो कि इसकी थाली की प्राइसिंग क्या है। सर ये इसकी थाली की प्राइस है 10,900 रुपये। सही है भाई। और ये इसको कितने लोग खा सकते हैं तकरीबन? इसको आराम से 10 से 12 लोग आराम से। मुझे भाई तो लग रहा है इससे ज्यादा ही है, 12 से 14 लोग भी खा सकते हैं। कैसे है? कितनी बड़ी है बाप रे। और कैसा है मतलब इसका सीटिंग ऐसा है ना कि आप चारों तरफ से आप ये थाली तक पहुंच सकते हो। बट पार्टी जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है वो कैसे कॉन्ट्री करके मस्त 12 लोग 10 लोग कॉन्ट्री करके आओ, मस्त 600-700 का कॉन्ट्रो आएगा आपको पर पर्सन, खाओ एंजॉय करो। और सर इतने यूनिक यूनिक डिशेज है तो आपको एक्सपीरियंस तो बहुत रहेगा, आप घूमे तो बहुत रहोगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मतलब कहाँ कहाँ घूमे वैसे? सर मैं बस क्या बताऊँ आपको, गल्फ में काफी रहा हूँ मैं। अच्छा, गल्फ कंट्रीज। हाँ, गल्फ कंट्रीज में काफी रहा हूँ मैं। अच्छा, तो वहीं से हमने काफी रिसर्च किया कि मतलब अभी दमिश्क का करना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। ओके ओके ओके। तो काफी इक्विपमेंट ऐसे हैं जो हमने वहीं से परचेज किए हैं। अच्छा, जो किचन में यूज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। और मसाले वो सब स्पाइस वगैरह भी हमने काफी कुछ ऐसे हैं जो गल्फ कंट्री से ही मंगाए, जैसे हमारा मंदी का स्पेशल एक मसाला है। तो आपको एक्सपीरियंस वहाँ का अगर यहाँ लेना है तो यहाँ आना पड़ेगा। 100 बात की 1 बात, आपको कहीं भी गल्फ जाने की जरूरत नहीं, आप दमिश्क आ जाओ मीरा रोड में, आपको ऐसा लगेगा कि सारे गल्फ कंट्रीज घूम लिए बस खाके। ये तो फिलहाल हम ये एक्सपीरियंस, क्योंकि इसका इंटीरियर भी सेम, आपको ऐसा लगेगा कि कोई गल्फ कंट्री जैसा ही हो मतलब। तो चलो फिलहाल हम लोग ये एक्सपीरियंस लेते हैं ये टेस्ट का, फिर आपको बताते कि इसका टेस्ट कैसा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो भाई शुरुआत करते हैं खाने की, और खाने की शुरुआत होगी भाई सूप से। ये देखो, अरे बाबा पीना है इस पे डालना नहीं है। यूनिक। अगर आपने पाया सूप पिया रहेगा ना, हल्का टेस्ट वैसा है बट थोड़ा और अच्छा बोलते हैं ना, जाफरान फ्लेवर आ रहा है मस्त एकदम। अब स्टार्टर। यस। तो ये है मटन रोस्ट सागर। ये देखो। स्मोकी फ्लेवर है इसमें। ये अक्का गार्लिक भी है और अक्का पोटेटो भी है। देखो yes. भाई मस्त। अच्छा लगता है, खा के देखो कभी। तो ये है दज्जाज तंदूरी। ये देखो थोड़ा पास से देखो इसको। चलो चर्स। हमारे शेफ ने इसको बटर में नहलाया, इतना मस्त टेस्ट आ रहा है बटर का, क्रीमी और क्रीमी भी। बेसिकली ये जो मेन डिशेस दिख रहे हैं स्टार्टर्स, यस, इसमें टोटल 12 पीसेस है मटन के। ओके। इसमें 12 है चिकन, यानी 24 हो गए बराबर। इसमें 1.5 केजी है, इसमें 1.5 केजी है तंदूरी पूरा। क्या बात है, पेशावरी तंदूरी। पेशावरी भाई देख के इसको मतलब टूट पड़ने का मन कर रहा है। ये देखो ऐसे दिख रहा है कुछ। क्या बात है। एक दाद देनी पड़ेगी हम लोग को, शॉर्ट में ना काफी टाइम हो जाता है, तो जो भी फूड आइटम रहता है वो कड़क हो जाना चाहिए देखने गए तो। लेकिन ये अभी भी सॉफ्ट, अभी भी सॉफ्ट है, और इसका सॉस है ना ऊपर जो है वो अभी तक ऐसा फ्रेश फ्रेश है एकदम मस्त। तो ये है चिकन रोस्ट। देखो सागर को कौन सा पीस मिला है पता नहीं। भाई स्टार्टर्स तो सारे टेस्ट कर लिए, बहुत ही खतरनाक थे, मजा आ गया। एक स्टार्टर रह गया हमारा, वो है भाई तलवार वाला कबाब। यस, तो कबाब ही तलवार। तलवार के साथ खाने को मजा आ गया, बट आराम से खाना, गायब मत करना। मजा आ गया भाई। आवाज सुन रहे हो, चिकन कोरमा। कोरमा बहुत रेस्टोरेंट्स में खाया है बट ये कोरमा बहुत अलग है।
ये डुबाया इसमें मटन नल्दी निहारी में। एक मिनट रुक। हाँ वही दिखाना था, ये कितना सॉफ्ट है देखो, उसने जोर से भी नहीं खाया, एकदम स्मूथली पूरा अंदर आ गया। मटेरियल है ना जिसमें दिया है, वो मटेरियल ऐसा है, इसको खाना गरम गरम दिया ना वो कम से कम 25 मिनट तक वो गरम ही रहेगा। पीटा ब्रेड और हमस, हमस मेरे को पर्सनली इतना पसंद नहीं है भाई, देखने को बड़े इसका टेस्ट अलग है, और एवोकाडो का मिल रहा है भाई, यूनिक है। तो भाई ये है हमारा मंदी और केप्सा, खुल जा सिम सिम। ये देखो देखो एकदम सॉफ्ट, ये भाई टमाटर की चटनी इसके साथ खाते हैं ये। देखो भाई कुनाफा एकदम स्पेशल है यहाँ का, मेरे स्टाइल में है। थोड़ा सा अगर आप यहाँ आ रहे हो ये खा के नहीं गए तो मतलब नहीं है भाई, सच में टेस्टी है, मैं और एक बाइट लूंगा इसका। ये टर्किश डिश है, यस। अगर बकलावा हो गया, कुनाफा हो गया, ये सब टर्किश है। सबसे फेवरेट क्या लगा तेरा, पसंद दिया? कोरमा का ग्रेवी, yes. और कोरमा भी ऑब्वियसली, ओके। और मटन नल्ली नियारी, मतलब क्या बोलूं, और ये जो स्टार्टर्स है वो यूनिक थे, बहुत मजा आ गया, और कबाब वाली तलवार। सबसे बेस्ट जो मेरे को लगा वो था चिकन कोरमा और दजाज तंदूरी, क्या बात है। तो भाई ये तो था ये थाली के बारे में, बट दमक्स जो है वो भाई इसके आला काट के लिए भी फेमस है, yes. तो इसके जो आला काट के डिशेज है वो आपको बता देते हैं, और वो देख के आपके मुंह में पानी नहीं आया तो हमारा नाम बदल देना, yes. चलो आ जाओ। तो भाई दावत सज चुके इधर, और हमारी दावत सजाई है आसिम भाई ने। आसिम भाई आला काट की बात चालू थी जी। तो आला काट में हमें हमारे पास क्या क्या आप बता दो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है सर? ये है हमारा अल्फाम चिकन, ये ग्रिल चिकन है, ये हमारी पॉम्फ्रेट है, ये देखो भाई साइज देखो क्या है ये। बिल्कुल सर, असल में मिडिल ईस्ट में गल्फ में जो पिज्जा का जो वर्जन है वो ये है, मनकिश बोलते हैं, मनकिश ये पीदे है, पीदे, और ये तीनों ये तीनों पीदे हैं, और ये मनकिश है। ओके, देखो भाई साहब इसका भी साइज देखो क्या है, ये अफगानी नान है सर, अफगानी नान, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे बॉम्बे, ये कहीं देखा ही नहीं है, कितना जाड़ा है देखो, अरे और सॉफ्ट है, ये भी अफगानी नान है, बाप रे, ये देखो भाई साइज क्या बात है। तो भाई ये तो थे आला कार्ड्स वाले, तो आपको अलग अलग कोई आइटम चाहिए तो वो भी मिलेगा, और आपको थाली सिस्टम में खाना है तो आपको थाली सिस्टम में भी खाना मिलेगा, तो आपकी चॉइस है, वो यहाँ आओ एंजॉय करो। बाकी हम अभी सर के साथ बैठ के इधर दावत खत्म करते हैं ये, yes. बाकी हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा तो अभी जाके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप भी खाओ पियो और मौज करो, बाय बाय बाय।